हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पिछले वीडियो के शेष बचे सरीसृप या रेप्टेलिया वर्ग के एक जंतु सर्प या स्नेक के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सांपों की संख्या संसार भर में लगभग 3000 और हमारे देश में लगभग 350 जातियां पाई जाती हैं। लगभग 300 जातियों के सर्प बहुत विषैले होते हैं। चलिए अब सर्प या स्नेक का वर्गीकरण बता देता हूं। जगत एनिमेलिया, संघ कार्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, महावर्ग चतुष्पादा, वर्ग सरीसृप या रेप्टिलिया, गण स्क्वेमेटा, उपगण ओफिडिया। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जीवित सरीसृप या रेप्टाइल्स में सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन होती है, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। सबसे बड़ा क्रोकोडाइल 7 मीटर लंबा होता है। सबसे बड़ा सर्प अजगर, जिसकी लंबाई 10 मीटर होती है, और इसका समस्त शरीर शुष्क एवं बड़े बड़े सलकों द्वारा ढका रहता है। सबसे बड़ा कछुआ 600 किलोग्राम का होता है। यदि सांपों की संरचना के लक्षणों का अध्ययन किया जाए तो सांप बेलनाकार एवं पाद विहीन होते हैं, अर्थात इनमें पैर नहीं होते हैं। ये लगभग 15 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक लंबे होते हैं। सिर में गोल नेत्र, बाह्य नासा द्वार एवं मुख द्वार होता है। इनमें बाह्य कर्ण गर्त में होते हैं एवं कर्ण पटह अनुपस्थित होते हैं। गर्त में अर्थात करोटि में धसे रहते हैं, इसीलिए सांप सुन नहीं सकते हैं। ये भूमिगत ध्वनि तरंगों को त्वचा द्वारा ग्रहण करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर सपेरे की बीन को सुनकर सांप झूमने क्यों लगता है। तो आपको बता दूं कि सपेरे की बीन बजते समय नाग या सांप इसकी ध्वनि से नहीं वरन गति अर्थात मूवमेंट से प्रभावित होकर झूमता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सांप हवा में आती ध्वनि तरंगों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये केवल भूमि में होने वाले कंपनों को अपने शरीर की अस्थियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यह धारणा मिथ्या है अर्थात झूठ है कि नाग या सांप सपेरे की बीन पर झूमता है, क्योंकि वह बीन से उत्पन्न संगीत को तो सुन ही नहीं सकता है। सांप की जीभ लंबी, पतली तथा आगे से द्विशाखित होती है, अर्थात दो भागों में बटी होती है। इसके कशेरुक दंड में 200 से 300 तक पसली युक्त कशेरिकाएं होती हैं। विषैले सर्पों में सबसे ऊपरी जबड़े में 1 से 3 जोड़ी विषैले दंत पाए जाते हैं। ज्यादातर सर्पों में एक जोड़ी ही विषदंत पाए जाते हैं। अधिकांश सर्प भूमि में बिल बनाकर रहते हैं। कुछ वृक्षाश्रयी होते हैं अर्थात वृक्षों पर रहते हैं। कुछ अन्य जल में भी पाए जाते हैं। तो ये तो हुए सांपों की संरचना के आधार पर उनके कुछ प्रमुख लक्षण। चलिए अब कोबरा के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। जगत जंतु, संघ कार्डेटा, वर्ग सरीसृप, गण स्क्वेमेटा, वंश नाजा। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है। यह अफ्रीका एवं एशियाई देशों में पाया जाता है। यह सर्वाधिक विषैला एवं घातक सर्प है। यह पुराने मकानों एवं खंडहरों, पत्थरों के नीचे, बिलों में, दरारों में, लकड़ियों के ढेरों के नीचे आदि में रहता है। इसका शरीर गहरे काले रंग का या भूरे रंग का होता है। सिर बहुत छोटा होता है। इसके ग्रीवा भाग में प्रसारण की क्षमता होती है। प्रसारण क्षमता का अर्थ है फैलाने की क्षमता होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये गर्दन को फैला लिए है। तथा प्रसारित भाग हुड कहलाता है। ये वाला जो भाग है इसे हुड कहते हैं। हुड की निचली सतह पर पट्टियां होती हैं।
भारत में सामान्य रूप से पाया जाने वाला कोबरा नाजा नाजा है, जो साधारण भाषा में नाग के नाम से जाना जाता है। नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। कोबरा अति आक्रामक स्वभाव का होता है। आक्रमण करने से पहले यह अपने अगले एक तिहाई भाग को ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है और तेजी से फुफकार मारकर चेतावनी देता है या सामने से हमला करता है। अगले सांप के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि सर्पदंस की पहचान क्या है, अर्थात सांप के काटने की पहचान क्या है। सांप के काटने पर जब निशान छोटे हों तो इसका मतलब है कि किसी विषहीन सांप ने काटा है, और जब निशान छोटे के स्थान पर बड़े वाले भी बने हों, अर्थात विषैले सांप के काटने पर उसी स्थान पर छोटे निशानों के अतिरिक्त एक जोड़ी विषदंतों के बड़े और गोल निशान भी बनते हैं, तो काटे गए स्थान पर विष वाले सांप ने काटा होगा। काटे गए स्थान पर पीड़ा बहुत होती है, सूजन आ जाती है, खून रिसने लगता है तथा आसपास की त्वचा हरी या नीली पड़ने लगती है। चलिए अब वाइपर सांप के बारे में जान लेते हैं। इसे रसिल्स वाइपर भी कहते हैं। यह भारत, वर्मा तथा लंका में पाया जाता है। इसका शरीर भूरे रंग का होता है। इसके शरीर पर दीर्घ वृत्ताकार धब्बों की तीन लाइनें होती हैं। सिर स्पष्ट और तिकोना होता है। यह चट्टानों व झाड़ियों वाले स्थानों में रहता है। यह प्रायः सिर को कुंडली के बीच छिपाए पड़ा रहता है। यह जरायुजी सर्प है। इसका विष अति घातक होता है। इसके काटने पर जख्म के आसपास का भाग सूज जाता है, पीड़ा होती है, सर्दी लगकर पसीना आने लगता है, बार बार उल्टियां होने लगती हैं, नाड़ी झटके के साथ चलने लगती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि सर्प विष का प्रभाव क्या होता है, अर्थात जब शरीर में सर्प का विष पहुंचता है तो इसका प्रभाव दो प्रकार से होता है। पहला है तंत्रिक आवेशी, दूसरा है रुधिर आवेशी। तो पहला शुरू करते हैं तंत्रिक आवेशी। इसमें विष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कहा जाए तो विशेषकर चालक तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से हृदय की क्रियाविधि तथा श्वसन की क्रियाविधि धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, धीरी होने लगती है और अंत में हृदय गति रुक जाती है तथा मृत्यु हो जाती है। ऐसा विष कोबरा का विष होता है, यानी कि तंत्रिक विष कोबरा का होता है। दूसरा प्रभाव है रुधिर आवेशी। इसमें विष रुधिर परिवहन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से रुधिर वाहिनियां एवं केशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा सूजन होना शुरू हो जाती है। ऐसा विष वाइपर या कैरेट का होता है। चलिए अब अगले सांप के बारे में बता देता हूं, जो है समुद्री सांप, सी स्नेक हाइड्रोफिश। यह बंगाल की खाड़ी में तथा प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी पूंछ पार्श्व में चपटी व चंपू जैसी होती है। सिर छोटा एवं अस्पष्ट होता है तथा इस पर बड़े बड़े सल्क पाए जाते हैं। यह समुद्री जंतुओं को खाता है। इसका विष अत्यंत घातक होता है। आपको बता दूं कि सांप के काटने से व्यक्ति इतना अधिक भयभीत हो जाता है कि विषहीन सर्प के काटने पर भी भय के कारण ही मर जाता है। इसलिए सर्प के काटने से अधिक भयभीत ना हो। चलिए अब आपको सर्पदंश के उपचार बता देता हूँ। इसको तीन चरणों में बांटा गया है। पहला है विष को शरीर में फैलने से रोकना। यदि हाथ या टांग में सांप ने काटा है तो काटे हुए स्थान से शरीर की ओर कुछ दूरी पर अंग को कसकर बांध दें, ताकि रुधिर विष में तेजी से न फैले। फिर काटे गए स्थान पर तेज चाकू या ब्लेड से चीरा लगाकर रुधिर निकाल देते हैं। ऐसा करने से रुधिर के साथ कुछ विष भी बाहर निकल जाता है।
काटे हुए घाव को मुंह से चूसकर भी विष बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन चूसने वाले के मुंह में घाव नहीं होने चाहिए, इसके लिए सिंगी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रभाव है विष के प्रभाव को कम करना। आजकल सर्प विष के प्रतिविष के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाकर तुरंत इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। अब आपको अगले सर्प अजगर के बारे में बता देता हूँ, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। जगत जंतु, संघ कार्डेटा, वर्ग सरीसृप, गण स्क्वेमेटा, वंश पाइथन। अजगर संसार के लगभग सभी भागों में जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रायः वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 29 फीट और भार लगभग 250 पाउंड तक होता है। यह सुस्त एवं विषहीन होते हैं, किंतु भेड़, बकरी, कुत्ता, चीता और मनुष्य तक को मारकर खा सकते हैं। ये शिकार के चारों ओर लिपटकर उसमें रुधिर के परिवहन को रोक देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हुआ रिप्टेलिया वर्ग का अत्यंत जहरीला जंतु सांप। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।